हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर गोल्ड के जो फ्यूचर्स हैं, यहाँ पर जिस तरह ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हम जो है किस तरह पोजीशन जो यहाँ पर बना सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने कल जिस तरह से वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर बताया था कि एक अच्छे से प्राइस मोमेंटम पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी की अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम या फिर जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और ये जो चीज़ है वह अपन में डेली बेसिस के अंदर देखने को मिल ही रही है। अगर हम यहाँ पर इसे थोड़ा बहुत अच्छे टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन करते हैं, दैट इज आवरली बेसिस के हिसाब से, तो यहाँ पर आप क्लियर कट पिक्चर जो देख सकते हो कि अपसाइड के अंदर 7282 या फिर एक अच्छा सा राउंड फिगर आप समझ लीजिए 7285 का, और डाउन साइड के अंदर 7139 या फिर 7140 के नीचे जो है अच्छा सपोर्ट जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और मोटा मोटी दो सेशन से यहाँ पर हमें जो है इसी प्राइस बैंड के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटीमेशन काफ़ी ज़्यादा सिंपल रह सकता है कि यहाँ पर 7290 के ऊपर भी यहाँ पर कोई कैंडल हॉल्ट देती है तो यहाँ पर आप जो है लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हो, और शॉर्ट पोजीशन के लिए 7140 के प्राइस बैंड के नीचे अगर यहाँ पर जो है कैंडल होल्ड करती है तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। हालांकि डेली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन लंबे टाइम फ्रेम के अंदर जो है देखने को मिल सके, बट लेट्स सी अगर आपको कोई ट्रेड बनाना है तो ये जो दो प्राइस मैंने आपको बताया वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक रहने वाले हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ट्रेडिंग के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।